Hey everyone, I'm India. Welcome to my new vlog. This vlog we are talking about rain. तो बारिशें चल रही हैं, जुलाई का महीना है और मैंने एक भी बारिश मिस नहीं करी नहाने के लिए. हर बारिश में मैं नहाई हूँ. अभी भी हो रही है बट मैं नहा के आ चुकी हूँ पहले. अपार्ट फ्रॉम दिस आई वॉन्ट टू शेयर अ प्रोडक्ट विद यू. दिस रोलर्स, हेयर रोलर्स बहुत अच्छे हैं. ये इनसे बहुत इजी कर्ल हो जाता है और आपको टाई अप करने की ज़रूरत नहीं है. इसको बस ऐसे मोड़ दो, कहीं से भी मोड़ लो, सीधा कर लो. अभी मैं अपने फ्रंट हेयर आपको कर्ल करके दिखाती हूँ. एक बारी में तो होएंगे नहीं, इसको मे भी एक घंटा दो घंटे लगा के रखना है, तब जाके आपके जो है पूरी कर. ये मैंने इस पर लगा दिया फेस ऐसे सेकेंड तक ना वो मैंने तो ये कर्ल हो जाते हैं. तो मैं अभी कर ली थी प्रोग्राम, सो आल सी पर्सन इन द होल वर्ल्ड. मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इसको यूज़ करने का. That's why I'm not using this. Apart from this, all क्या बात करें. श्रद्धा कपूर की तू झूठा मैं मकान किसने देखी है, टीवी पे आ गई है. मैंने बिल्कुल भी नहीं देखी बट जो डायलॉग है श्रद्धा कपूर का वो वाव है. मैं कहती हूँ निकी आई कैन बिलीव कि तुम आ गया. द फेस दैट दे मेक इज सो क्यूट, शी सो क्यूट, टैलेंटेड, सुपर ऑसम, हार्ड वर्किंग, क्या बताऊँ मैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई लव शर्मा एक्टिंग, आई लव हर एक्टिंग, शी इज सो प्रीटी क्यूट. माय फेवरेट एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर एंड अनीता कपूर, दोनों की जोड़ी मैच करते हैं. मेरे हिसाब से उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, दोनों मस्त दिखते हैं. हाँ तो आम ज़्यादा बोरिंग. ओ मेरा कर्ल्स गिर गया, फिर निवास तो थोड़ा बोरिंग नहीं करेंगे व्लॉग को. व्लॉग में कुछ न्यू करेंगे, क्या कर सकते हैं हम, एक्टिंग करने तो कोई मुझसे सीखे. अच्छा मैं टॉक बता देती हूँ अपनी, मेरी होम टंग कहती हूँ. जब भी मुझे कुछ नहीं मिलता था मैं चिल्लाती सुनती नहीं हो सुन मेरी, इसी देर से बुला रही हूँ मैं तुमको. तुमको सुनाई नहीं देता है क्या नीमा? मम्मी आई नहीं, टीवी देख रही है. अरे मैं उनको तंग करती हूँ तो सारा दिन. चश्मा तो बरसाते हैं और मक्खियाँ इतनी सारी भिन भिन आ रही है हमारे यहाँ पे, क्या बताऊँ मैं, बहुत सारी मक्खियाँ भिन भिन आ रही है हमारे. कुछ नहीं मैंने दी आवाज़, मैंने रिप्लाई किया कुछ नहीं. देखा एक बार ही सुनाई दे जाता है मम्मी और हमें चिल्लाती हूँ. तो ब्लॉग बोरिंग नहीं करेंगे क्योंकि मैं अपनी मूछें ही बना सकती हूँ ना नीचे की तरह. क्या करूँ मैं बहुत बोर हो रही हूँ आज घर पर. मेरे एमए के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए हैं, अब रिज़ल्ट की देरी है. मैं सोच रहा हूँ बीएड करूँ पर मुझे कुछ पता नहीं है उसके बारे में. सर्च किया कल मैंने बैठ के, बी एड करूँ क्या, पढ़ाना अच्छा तो लगता नहीं मुझे, लेक्चर में बनाना अच्छा लगता है, नेट एग्ज़ाम क्लियर हो जाए कैसे भी, तो ये कैसे होगा. कोई इनसे पास टिप पैसा ज़रूर देगा मुझे नेट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए. बट हाउ कैन आई क्रैक नेट एग्ज़ाम, इट्स सो टफ, नॉट सो टफ बट लिटिल बिट टफ. तो क्या फिट हो रहा है तो मज़े ही आ गए, नहीं फिट होए लो फेल एक बार और. एक्चुअली मैं फेल हो चुकी हूँ नेट एग्ज़ाम में, दोबारा फेल होने की आशा है और दोबारा मैं एग्ज़ाम देने जाने वाली हूँ दिसंबर में. सो ठंड आने वाली है,
इस बार मैं बेड शिफ्ट नहीं करूँगी बाहर, क्योंकि हमारा एक नया मेहमान आया है। क्या आप वो देखना चाहेंगे? डिड यू वॉन्ट वॉज है अभी लाइन। ये रहा वो नया मेहमान, इसका नाम है पीपल। आई मीन न्यू रैबिट। मैंने मास्क की गर्ज उठा के लिया इसको। ये बहुत प्यारा है, ये बहुत चुनर है, मीचू ना है ये। कुछ नहीं कहता ये, बस इसके हेयर फॉल बहुत हो रहे हैं, उसके लिए मैं शैम्पू मंगाने वाली हूँ। पीलेट्स खाता है ये, खीरे के छिलके खा जाता है, दाल रोटी चावल, इवन मीट भी खा जाता है। पर मैं मीट नहीं डालती, मेरी माँ भी डालती थी इसको मीट, एग वगैरह, बट मैं नहीं डालती, मैं इसको घास डालती हूँ। शी सो क्यूट, ये लड़का है। अच्छा चलो जा, चलो चलो सुनो, और मेरी नेक्स्ट है ये पीड़ी। ये तो हो गया, इसको एक साल होने वाला है, तो मैंने दिखाया भी आपको। मैं पुच्ची देती है, पुच्ची तो अपनी चीनी। हाय हाय। तो ये ब्लॉग बहुत छोटा सा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।